अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
मेरे लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। Thank you.
Thank you.
सर्व ब्राह्मण आत्माओं के सिरमौर, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का जिस भूमि पर कर्तव्य चला, आज हम सभी बाबा की उस कर्म भूमि, कर्तव्य भूमि पर अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए चलते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा बाबा के कमरे में बाहर ही बहुत सुंदर फूलों की सजावट है। कितना सुंदर बाबा का कमरा फूलों से सजा हुआ है। मैं अपने दिव्य नेत्र से ये दृश्य अनुभव कर रही हूँ। अब बाबा के कमरे के अंदर चलती हूँ। जहाँ प्यारे बाबा चैतन्य रूप में चित्र के स्थान पर विराजमान है, बाबा अपने चित्र से चैतन्य स्वरूप में बाहर आ गए हैं। आकर अपने पलंग पर बैठ गए हैं। और मैं बाबा के सामने खड़ी हो गई हूँ। बाबा दृष्टि से अपनी पावर्स फील कर रहे हैं। मेरा हाथ बाबा ने अपने हाथ में लिया। और जैसे दादी जी को पावर्स विल की थी, ऐसे बाबा मुझे भी अपनी पावर्स फील कर रहे हैं। दृष्टि से बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझ में भर रहे हैं।
मेरा हाथ बाबा के हाथ में है, और बाबा दृष्टि से पावर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा से ब्रह्मा बाप समान बनने की सकाश मिल रही है। जैसे आज के दिन ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बन गए, ऐसे मुझे भी बाप समान स्थिति का अनुभव हो रहा है। ये अनुभव बहुत ही सुखद है। आनंदमय है। मैं बाप समान सर्व बंधनों और बोझ से मुक्त हो गई हूँ। एकदम हल्कापन, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके
इस धरती पर सर्व तपस्वी और ऋषियों का यादगार बनाने वाले सच्चे तपस्वी सच्चे राज ऋषि ब्रह्मा बाबा की कुटिया के बाहर झूले पर बैठकर बाबा के साथ का आनंद ले रही हूं। झूले में अव्यक्त बाप दादा के साथ बैठी हूं। और बाबा की झोपड़ी को बड़े प्यार से निहार रही हूं। कैसे इसी झोपड़ी में बाबा ने सच्चे राजऋषि बन तपस्या कर अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। झूले से उठकर बाबा को साथ लेकर अब मैं बाबा की झोपड़ी के अंदर जा रही हूं। बाबा सामने अपनी गद्दी पर बैठ गए हैं। और मैं बाबा से मीठी मीठी रूरिहान कर रही हूं। यही रूरिहान करने का धाम है। मीठे बाबा, आज आपको
अपनी वो सभी बातें जो मन को खाती हैं सबसे छिपा कर रखी हैं, बाह्य स्वरूप में उन्हें स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। किसी के सामने वर्णन करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको अपने सामने धर्मराज के रूप में देखते हुए अपने मन की वो सभी बातें शेयर करके हल्का होना है। कोई भी बोझ और भारीपन आपसे रूरिहान करके हल्का करना है। संपूर्ण मावन बनकर हल्के होकर आपके साथ आपके समान बनकर घर जाना है। बाबा से रूरिहान करके मैं डबल लाइट हो गई हूँ। मन पर पड़े सारे बोझ समाप्त हो गए हैं।
शांति स्तंभ पर साकार बाबा का पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कर दधीची ऋषि की हड्डियां एक दिव्य कलश में स्थापित की गई थी। यहां अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप से संपूर्ण विश्व को टावर ऑफ पीस बनकर शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। शांति स्तंभ से शांति की किरणें निकल संपूर्ण साकार लोक में जा रही हैं। संपूर्ण विश्व के लिए ये टावर ऑफ प्योरिटी टावर ऑफ माइट टावर ऑफ नॉलेज है। शांति स्तंभ ज्ञान स्तंभ शक्ति स्तंभ पवित्रता स्तंभ
शांति स्तंभ में अव्यक्त बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में दोनों बाहें पसार कर सभी बच्चों का घर चलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ये शक्तिशाली बनने का स्तंभ है। यहां से ही विश्व की सर्व आत्माओं को घर का रास्ता मिलेगा। बाबा के महावाक्य अब घर चलना है फरिश्ता स्वरूप कर्मातीत अवस्था अनुभव हो रही है। यहीं से ही संपूर्ण विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता मिलेगा। ये टावर ऑफ लाइट टावर ऑफ माइट शक्तिशाली बनने का स्तंभ है।
हिस्ट्री हॉल में एक एक चित्र को देख रही हूं। प्यारे बाबा भोजन करते हुए बच्चों को टोली बांटते हुए बच्चों के साथ केक काटते हुए मामा बाबा बैडमिंटन लेकर खड़े हैं। बाबा पहाड़ी पर हाथों पर सिर टिकाए शिव बाबा की याद में मगन लेटे हुए हैं। पगड़ी वाला बाबा रूहानी दृष्टि देते हुए बाबा बच्चों के साथ रेलगाड़ी के सामने मम्मा बाबा और मोहिनी दीदी के साथ बगीचे में सभी दादियां सामान बांधे हुए गठरियों के ऊपर बैठी हुई हैं। कराची में क्लिफ्टन पर और हिस्ट्री हॉल के बैक साइड में साकार बाबा का सामान रखा हुआ है। बाबा का मैग्नीफाइंग ग्लास, डायरी पेन, जिस तख्ती पर बाबा लेटर लिखते थे, बाबा के वस्त्र, ये साकार बाबा की यादों को फिर ताजा करता है। और सामने हिस्ट्री हॉल में बाबा अपनी गद्दी पर बैठे हैं। और मैं बाबा के सामने जाकर बैठ गई हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं
बच्ची निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी भाव इसी हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाकर बाबा बच्चों से विदाई लेकर गए। और साकार स्वरूप के अंतिम शिक्षाएं देकर गए। इसी हिस्ट्री हॉल में बाबा के पार्थिव शरीर को तीन दिन के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा था। हर एक बच्चे के मन में बाबा के लिए सदा प्रेम भाव स्नेह भाव है। बाबा के सम्मुख सर्वव्यर्थ संकल्प समाप्त हो समर्थ भव का वरदान मिल गया है। हिस्ट्री हॉल समर्थ संकल्पों का धाम जब जब मधुबन की ओर आए प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब के बाद
याद तुम्हारी आती है। Thank you.
पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकार। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। दुखी अशांत रोगी आत्माओं की पीड़ा हमें भगाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करके हमें दिखलाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं यही हमारा नारा है, हम सब एक हैं सारा संसार हमारा है। माया की अब खैर नहीं हमने घेराव डाला है, चारों ओर अंधेरे के बीच हमने किया उजाला है, हमने किया उजाला है। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। उठो जागो विश्व रक्षक अपना कर्तव्य निभाओ, भय के माहौल से तुम इस संसार को मुक्त कराओ। हम नहीं घड़ी दो घड़ी के योगी, हमारा जीवन है योगी सदा। सेवा में रहने वाले हम रूहानी फौजी, नष्टो मोह बन कर चलते हम मन मौजी हैं। बाबा दादी सदा ही देते हम बच्चों को सकाश, उठो जगत के वास्ते अब छू लो तुम आकाश। दीप राज बाबा की केवल हम पर है ये आस, बाबा कहते मीठे बच्चों तुम टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। Thank you.
ओम शांति। मैं आत्मा पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से अनंत पवित्रता की किरणों का प्रवाह मेरी ओर आ रहा है। पवित्रता के सागर में नहा कर मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बन चुकी हूँ। मेरे मन बुद्धि संस्कार अब शुद्ध बन चुके हैं। दुनिया में मेरे आत्मा भाइयों के प्रति दया भाव उत्पन्न हो रहा है। पावन बनाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हो रही है। उसी क्षण परमात्मा से अनंत पवित्र किरणें निकल कर आ रही हैं। ये झरना मेरे ऊपर पड़कर समस्त विश्व के कोने कोने में फैलकर दुनिया को पावन बना रहा है। समस्त आत्माओं से विकारी भाव दूर हो रहे हैं। आत्मा शुद्ध पवित्र
हल्की होती जा रही है। ये पवित्रता का प्रवाह लगातार मुझ पर पड़ रहा है और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रहा है। जिससे उनके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पवित्रता की इन किरणों से समस्त सृष्टि आनंद का अनुभव कर रही है। प्रकृति अपने रंगों से भरपूर हो रही है। इन पवित्रता की किरणों में भरते जा रहे हैं। समस्त आत्माओं के मन, बुद्धि, संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं। पवित्रता का फरिश्ता पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा से लगातार अनंत पवित्रता की किरणों को धारण किए हूँ। झरने की तरह समस्त विश्व में फैला रही हूँ।
Oh.
शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की गूंज रही महिमा।